हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास नाइन्थ के इंग्लिश के मोमेंट्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, द लास्ट चाइल्ड बाय मुल्क राज आनंद। इसका आज हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इसमें लगभग हम लोग 30+ एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो यदि आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करते हैं तो आपको बहुत ही इजी तरीके से ये लर्न हो जाएगा, क्योंकि मैं आज आपको एक्सप्लेनेशन के साथ इसे बताने वाला हूं। तो आइए बिना देर के हम इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट फेस्टिवल वर द पीपल गोइंग टू सेलिब्रेट, यानी लोग कौन सा त्यौहार मनाने जा रहे थे। ए ऑप्शन है द फेस्टिवल ऑफ होली, यानी होली का त्यौहार। बी ऑप्शन है द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी बसंत का त्यौहार। सी ऑप्शन है द फेस्टिवल ऑफ दशहरा, यानी दशहरा का त्यौहार। डी ऑप्शन है द फेस्टिवल ऑफ दीपावली, यानी दीपावली का त्यौहार। इसका सही ऑप्शन है बी, द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी बसंत का त्यौहार। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ वर द पीपल ड्रेस्ड फॉर द फेस्टिवल, यानी त्यौहार के लिए लोगों ने कैसे कपड़े पहने थे। ए ऑप्शन है सैबली, यानी गंदा मैला। बी ऑप्शन है डेली, यानी दैनिक, जो रोज़ कपड़ा पहनते हैं। सी ऑप्शन है केयरलेसली, यानी लापरवाही से। डी ऑप्शन है शैंटली, यानी बहुत कम। तो इसका सही ऑप्शन है बी, डेली, यानी जो दैनिक कपड़ा पहनते हैं उसी को पहने थे। थ्री नंबर क्वेश्चन है, हाउ वर द पीपल गोइंग टू द फेस्टिवल, यानी लोग त्यौहार में कैसे जा रहे थे। ए ऑप्शन है गोइंग ऑन फुट, पैदल जा रहे थे। बी ऑप्शन है राइडिंग ऑन हॉर्सेस, घोड़ों पर सवार होकर जा रहे थे। सी ऑप्शन है कैरीड इन बम्बू एंड ब्लॉक कार्ट्स, यानी बांस और बैलगाड़ियों में ले जाए जा रहे थे। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द लिटिल बॉय गोइंग विथ, यानी छोटा लड़का किसके साथ जा रहा था। ए ऑप्शन है विथ हिज फादर, यानी अपने पापा के साथ। बी ऑप्शन है विथ हिज मदर, अपनी माँ के साथ। सी ऑप्शन है विथ हिज फादर एंड मदर, यानी अपने माता और पिता के साथ। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी, विथ हिज फादर एंड मदर, यानी अपने पिता और माँ के साथ। फाइव नंबर क्वेश्चन है, हाउ वाज द लिटिल बॉय फीलिंग व्हाइल गोइंग टू द फेयर, यानी मेले में जाते समय छोटा लड़का कैसा महसूस कर रहा था। ए ऑप्शन है नर्वस, यानी नर्वस था। बी ऑप्शन है फ्राइटेंड, डरा हुआ था, भयभीत था। सी ऑप्शन है सैड एंड अनहैप्पी, यानी दुखी और नाखुश था। डी ऑप्शन है फुल ऑफ लाइफ एंड लाटर, यानी जीवन और हंसी से भरा हुआ था। इसका सही ऑप्शन है डी, फुल ऑफ लाइफ एंड लाटर, यानी जीवन और हंसी से भरा हुआ था। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पेरेंट्स से व्हेन द चाइल्ड लैग्ड बिहाइंड, यानी जब बच्चा पिछड़ गया तो माता पिता ने क्या कहा। ए ऑप्शन है कम चाइल्ड, कम, यानी आओ बच्चे आओ। बी ऑप्शन है कम आर यू विल लॉस्ट, यानी आओ या तुम खो जाओ। सी ऑप्शन है कम हैव दीज टॉयज, यानी आओ ये खिलौने ले लो। डी ऑप्शन है कम बी आर गेटिंग लेट, यानी आओ हमें देर हो रही है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, कम चाइल्ड कम, यानी आओ बच्चे आओ। सेवन नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द चाइल्ड डू व्हेन हिज पेरेंट्स सेड कम चाइल्ड कम, यानी बच्चे ने क्या किया जब उसके माता पिता ने कहा आओ बच्चे आओ। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ही रिफ्यूज टू मूव, यानी उसने मुड़ने से इनकार कर दिया। बी ऑप्शन है ही हरी टूवर्ड्स देम, वह उनकी ओर तेजी से बढ़ा। सी ऑप्शन है ही लुक्ड एट देम एंग्रीली, उसने गुस्से से उनकी ओर देखा। डी ऑप्शन है ही बिगन टू क्राई, वह रोने लगा। तो इसका सही ऑप्शन है बी, ही हरी टूवर्ड्स देम, यानी वह उनकी ओर तेजी से बढ़ा। एट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फादर डू व्हेन द चाइल्ड सेड आई वांट दैट टॉय, यानी जब बच्चे ने कहा मुझे वह खिलौना चाहिए तो पिता ने क्या किया। ए ऑप्शन है ही एट वंस बॉट द टॉय फॉर द चाइल्ड, यानी उन्होंने तुरंत बच्चे के लिए खिलौना खरीद दिया। बी ऑप्शन है ही सैड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, यानी उसने कहा कि देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। सी ऑप्शन है ही लुक्ड एट द चाइल्ड रेड आइड, यानी उन्होंने बच्चे को लाल आँखों से देखा, यानी लाल आँखें लाल करके। डी ऑप्शन ही बिगेन टू बीट द चाइल्ड, उसने बच्चे को पीटना शुरू कर दिया। तो इसका सही ऑप्शन है सी, ही लुक्ड एट द चाइल्ड रेड आइड, यानी उसने बच्चे को लाल आँखों से देखा। नाइन नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड द मदर डू व्हेन द चाइल्ड सेड आई वांट दैट टॉय,
यानी जब बच्चे ने कहा कि मुझे वह खिलौना चाहिए तो माँ ने क्या किया? ए ऑप्शन है सी आज द फादर टू बाय दैट टॉय फॉर द चाइल्ड, यानी उसने पिता से बच्चे के लिए वह खिलौना खरीदने को कहा। बी ऑप्शन है सी लुक डेट द चाइल्ड रेड आइड, यानी उसने बच्चे को लाल आंखों से देखा। सी ऑप्शन है सी साइड दे हैड नो मनी फॉर द टॉय, उसने कहा कि उनके पास खिलौने के लिए पैसे नहीं थे। डी ऑप्शन है सी साइड लुक चाइल्ड व्हाट इज देयर बिफोर यू, यानी उसने कहा कि देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है डी सी साइड लुक चाइल्ड व्हाट इज देयर बिफोर यू, यानी उसने कहा देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है हाउ डू द फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड लुक, यानी सरसों का फूल वाला खेत कैसा दिखता था। ए ऑप्शन है वाइट लाइक सिल्वर, यानी चांदी की तरह सफ़ेद। बी ऑप्शन है रेड लाइक अ रोज, यानी गुलाब की तरह लाल। सी ऑप्शन है पैल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, यानी सोना पिघलने जैसा पीला। डी ऑप्शन है लवली लाइक अ रेनबो, यानी इंद्रधनुष की तरह प्यारा। इसका सही ऑप्शन है सी पैल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, यानी सोना पिघलने जैसा पीला। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में आ गए इसका, इसमें भी 10 क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड द चाइल्ड डू एट द पास्ट बाय द मस्टर्ड फील्ड, निराई के खेत के पास से गुजरते हुए बच्चे ने क्या किया। ए ऑप्शन है ही कलेक्टेड सम फ्लावर्स, उसने कुछ फूल एकत्रित किए। बी ऑप्शन ही रैन आफ्टर बटरफ्लाइज एंड कार्ट सम ऑफ देम, यानी वह तितलियों के पीछे दौड़ा और उनमें से कुछ को पकड़ लिया। सी ऑप्शन है ही वुड ट्राई टू कैच ड्रैगन फ्लाई एज वन ऑफ देम सेट इट डाउन टू रेस्ट देयर, यानी वह ड्रैगन मक्खियों को पकड़ने की कोशिश करेगा क्योंकि उनमें से एक वहाँ आराम करने के लिए बैठ गया था। डी ऑप्शन है ही ले डाउन टू रेस्ट देयर, यानी वह वहाँ आराम करने के लिए लेट गया। तो इसका सही ऑप्शन है सी ही वुड ट्राई टू कैच ड्रैगन फ्लाइज एट वन ऑफ देम सेट इज डाउन टू रेस्ट देयर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हु सेड टू द चाइल्ड कम कम ऑन टू द फुटपाथ, यानी किसने बालक से कहा आओ बालक आ पगडंडी पर आ। ए ऑप्शन है फादर यानी पिता। बी ऑप्शन है दी मदर यानी माँ। सी ऑप्शन है बाथ दी फादर एंड दी मदर, यानी पिता और माता दोनों। डी ऑप्शन नाइदर दी फादर नॉर दी मदर, न तो पिता और न तो माँ। तो इसका सही ऑप्शन है बी दी मदर यानी माँ, माँ ने कहा कि पगडंडी पर आ। 3 नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज इट दैट अट्रैक्टेड दी चाइल्ड दी फुटपाथ, यानी ऐसा क्या था जिसने बच्चे को पगडंडी पर आकर्षित किया। ए ऑप्शन है दी बटरफ्लाइज यानी तितलियाँ। बी ऑप्शन है दी ड्रैगन फ्लाइज यानी ड्रैगन मक्खियाँ। सी ऑप्शन है दी डॉब्स यानी कबूतर। डी ऑप्शन है दी लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स यानी छोटे कीड़े मकौड़े। तो इसका सही ऑप्शन है डी द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स यानी छोटे कीड़े मकौड़े। 4 नंबर क्वेश्चन व्हाट डिड द पेरेंट्स डू व्हेन दे रीच्ड ए सैडी ग्रोव, यानी छायादार उपवन में पहुंचने पर माता पिता ने क्या किया। ए ऑप्शन है दे कलेक्टेड सम फ्लावर्स फॉर द चाइल्ड, यानी उन्होंने बच्चे के लिए कुछ फूल एकत्र किए। बी ऑप्शन है दे ले डाउन टू रेस्ट फॉर सम टाइम, यानी वे कुछ समय के लिए आराम करने के लिए लेट गए। सी ऑप्शन है दे सैट डाउन ऑन द एडेज ऑफ अ वेल, यानी वे कुएं के किनारे पर बैठ गए। डी ऑप्शन है दे लिसेंड टू द कूइंग ऑफ डव्स, यानी उन्होंने कबूतरों की कूक सुनी। तो इसका सही ऑप्शन है सी दे सैट डाउन ऑन द एडेज ऑफ द वेल, यानी वे कुएं के किनारे पर बैठ गए। 5 नंबर क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड एज द चाइल्ड एंटर्ड द ग्रोव, यानी बच्चे के बाग में घुसते ही क्या हुआ। ए ऑप्शन ए सोवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल ऑन हिम, यानी उस पर युवा फूलों की बौछार गिर गई। बी ऑप्शन ए डॉग फ्ले अबव हिज हेड, यानी एक कबूतर उसके सिर के ऊपर उड़ गया। सी ऑप्शन हिज फादर स्टार्टेड शाउटिंग एट हिम, यानी उसके पिता उस पर चिल्लाने लगे। डी ऑप्शन हिज मदर कलेक्टेड सम फ्लावर्स फॉर हिम, यानी उसकी माँ ने उसके लिए कुछ फूल एकत्रित किए। तो इसका सही ऑप्शन है ए सोवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल ऑन हिम। 6 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड द चाइल्ड स्टार्ट डूइंग व्हेन अ सोवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल ऑन हिम, यानी जब नन्हे फूलों की बौछार उस पर पड़ी तो बच्चा क्या करने लगा। ए ऑप्शन है स्टार्टेड कलेक्टिंग द फ्लावर्स फ्रॉम द ग्राउंड, यानी उसने जमीन से फूल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बी ऑप्शन है स्टार्टेड गैदरिंग द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, यानी उसने अपने हाथों में बरसती हुई पखड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सी ऑप्शन है ही स्टार्टेड डांसिंग विद जॉय, वह खुशी से नाचने लगा। डी ऑप्शन है ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप द फ्लावरिंग ट्री,
यानी वह फूल वाले पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। तो इसका सही ऑप्शन है बी, ही स्टार्टेड गैदरिंग द रनिंग पेटल्स इन हिज हैंड। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट दिस चाइल्ड डू व्हेन हियर द कूइंग ऑफ द डब्स इन द ग्रुप, यानी उपवन में कबूतरों के कूकने की आवाज़ सुनकर बच्चे ने क्या किया। ए ऑप्शन है, ही स्टार्टेड कूइंग लाइक द डब्स, यानी वह कबूतरों की तरह कूकने लगा। बी ऑप्शन, ही ट्राइड टू कैच द डब्स, यानी उसने कबूतरों को पकड़ने की कोशिश की। सी ऑप्शन, ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डब, यानी वह चिल्लाते हुए अपने माता पिता की ओर दौड़ा, कबूतर कबूतर। डी ऑप्शन, ही टोल्ड हिज पेरेंट्स दैट ही वांटेड टू हैव द डब, उसे अपने माता पिता से कहा कि वह कबूतर रखना चाहता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डब। 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट शॉप वाज देयर एट द एंट्रेंस ऑफ द फेयर, यानी मेले के प्रवेश द्वार पे कौन सी दुकान थी। ए ऑप्शन है, ए टॉय शॉप, यानी खिलौने की दुकान। बी ऑप्शन है, बैलून शॉप, एक गुब्बारे की दुकान। सी ऑप्शन है, स्वीट मीट शॉप, यानी एक मिठाई की दुकान। डी ऑप्शन है, फ्लावर शॉप, एक फूल की दुकान। तो इसका सही ऑप्शन है सी, अ स्वीट मीट शॉप, यानी एक मिठाई की दुकान। 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट, बच्चे की पसंदीदा मिठाई क्या थी। ए ऑप्शन है, गुलाब जामुन। बी ऑप्शन है, रसगुल्ला। सी ऑप्शन है, बर्फी। डी ऑप्शन है, जलेबी। तो इसका सही ऑप्शन है सी, बर्फी। 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड द चाइल्ड से एट द पास्ट बाई द स्वीट मीट शॉप, यानी मिठाई की दुकान के पास से गुजरते हुए बच्चे ने क्या कहा। ए ऑप्शन है, ही सैड आई वांट दैट बर्फी, यानी उसने कहा मुझे वह बर्फी चाहिए। बी ऑप्शन है, ही सैड आई वांट दैट जलेबी, उन्होंने कहा कि मुझे एक जलेबी चाहिए। सी ऑप्शन है, ही सैड आई वांट दैट रसगुल्ला, यानी उन्होंने कहा कि मुझे एक रसगुल्ला चाहिए, यानी वह रसगुल्ला चाहिए। डी ऑप्शन, ही सैड आई वांट दैट गुलाब जामुन, यानी उन्होंने कहा कि मुझे वह गुलाब जामुन चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है ए, ही सैड आई वांट दैट बर्फी, यानी उन्होंने कहा कि मुझे वह बर्फी चाहिए। अब हम थर्ड पार्ट में आ गए हैं। थर्ड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेस्टिवल मेंशन्ड इन द स्टोरी द लास्ट चाइल्ड, यानी द लास्ट चाइल्ड कहानी में किस त्यौहार का उल्लेख है। ए ऑप्शन है, क्रिसमस। बी ऑप्शन है, फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी बसंत का त्यौहार। सी ऑप्शन है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यानी रोशनी का त्यौहार। डी ऑप्शन है, फेस्टिवल ऑफ ऑटम, यानी शरद ऋतु का त्यौहार। तो इसका सही ऑप्शन है बी, फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी बसंत का त्यौहार। सेकेंड क्वेश्चन है, हु लुक्ड एट द चाइल्ड रेड आइड आफ्टर ही रिक्वेस्टेड फॉर अ टॉय इन द स्टोरी द लास्ट चाइल्ड, यानी द लास्ट चाइल्ड कहानी में खिलौने के लिए अनुरोध करने के बाद बच्चे को लाल आंखों से किसने देखा। ए ऑप्शन है, हिज फादर, उसके पिता। बी ऑप्शन, हिज मदर, उसकी माता। सी ऑप्शन, हिज टीचर, उसके अध्यापक। डी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, हिज फादर, उसके पिता। थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड द चाइल्ड्स मदर पॉइंट आउट आफ्टर ही हैड रिक्वेस्टेड फॉर द टॉय, यानी खिलौने के लिए अनुरोध करने के बाद बच्चे की माँ ने किधर इशारा किया। ए ऑप्शन है, द मैरी गो राउंड, यानी मैरी गो राउंड की तरफ। बी ऑप्शन है, द कलरफुल बैलून्स, यानी रंगीन गुब्बारे की तरफ। सी ऑप्शन है, आइसक्रीम्स, यानी आइसक्रीम की तरफ। और डी ऑप्शन है, फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यानी फूले सरसों का खेत। तो इसका सही ऑप्शन है डी, फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यानी फूले सरसों का खेत। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वर ब्लस्टरिंग अबाउट ऑन देयर गाडी पर्पल विंग्स इन द स्टोरी द लास्ट चाइल्ड, यानी द लास्ट चाइल्ड कहानी में उनके भड़कीले बैगनी पंखों पर क्या हलचल थी। ए ऑप्शन है, बटरफ्लाइज, यानी तितलियों की। बी ऑप्शन है, ड्रैगनफ्लाइज, यानी ड्रैगनफ्लाइज की। सी ऑप्शन है, ग्रासहॉपर्स, यानी टिड्डों की। डी ऑप्शन है, वाइल्ड वास्प, यानी जंगली ततैया की। तो इसका सही ऑप्शन है बी, ड्रैगनफ्लाइज, यानी ड्रैगनफ्लाइज की। 5 नंबर है, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू हु सेड दिस, यानी देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है, यह किसने कहा। ए ऑप्शन है, चाइल्ड्स मदर, यानी बच्चे की माँ ने। बी ऑप्शन है, चाइल्ड्स फादर, बच्चे के पिता ने। सी ऑप्शन है, द शॉपकीपर एट द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी बसंत के त्यौहार पे दुकानदार ने। डी ऑप्शन है, चाइल्ड टीचर, यानी बच्चे के शिक्षक ने। तो इसका सही ऑप्शन है ए, चाइल्ड्स मदर, यानी बच्चे की माँ ने।
सिक्स नंबर क्वेश्चन है, हु गेव अ कॉशनरी कॉल टू द चाइल्ड टू कम ऑन टू द फुटपाथ इन द स्टोरी द लास्ट चाइल्ड। एंड द लास्ट चाइल्ड कहानी में बच्चे को फुटपाथ पर आने के लिए चेतावनी किसने दी? ए ऑप्शन है मदर यानी माँ, बी ऑप्शन है फादर यानी पिता, सी ऑप्शन है ट्रैफिक पुलिस यानी यातायात पुलिस, डी ऑप्शन है मैन एट द फेयर यानी मेले में एक आदमी। तो इसका सही ऑप्शन है ए मदर यानी माँ ने। सेवन नंबर क्वेश्चन है द चाइल्ड वॉकड अहेड ऑफ हिज पेरेंट्स फॉर अ व्हाइल बट वॉज सून लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज। यानी बच्चा कुछ देर अपने माता पिता से आगे चला लेकिन जल्द ही वह पीछे छूट गया क्योंकि। ए ऑप्शन है ही वॉज वॉचिंग द टॉयज अलॉन्ग द फुटपाथ, वह फुटपाथ के साथ खिलौनों को देख रहा था। बी ऑप्शन ही वॉज ट्राइंग टू रीच अप टू द बैलून्स यानी वह गुब्बारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। सी ऑप्शन है ही वॉज अट्रैक्टिंग बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स अलॉन्ग द फुटपाथ यानी वह फुटपाथ के किनारे छोटे कीड़े और मकूड़ों से आकर्षित था। डी ऑप्शन है ही वॉज अंट रेडी टू लीव द फेस्टिवल सो अर्ली यानी वह इतनी जल्दी त्यौहार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो इसका सही ऑप्शन है सी ही वॉज अट्रैक्टेड बाई द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स अलॉन्ग द फुटपाथ। एट नंबर क्वेश्चन है द पेरेंट्स इन द स्टोरी द लास्ट चाइल्ड कॉल्ड देयर चाइल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रो वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन। एंड द लास्ट चाइल्ड कहानी में माता पिता ने अपने बच्चे को एक ग्रोव की छाया में बुलाया जहाँ वे खुद बैठे थे। ए ऑप्शन है द बम्बू चेयर्स यानी बांस की कुर्सियों पे, बी ऑप्शन है द रॉक्स यानी चट्टानों पे, सी ऑप्शन है द वुडन फेंसेस यानी लकड़ी की बाड़ पे, डी ऑप्शन है द एडेज ऑफ अ वेल यानी एक कुएं के किनारे पे। तो इसका सही ऑप्शन है डी द एडेज ऑफ अ वेल यानी एक कुएं के किनारे पे। नाइन नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड फॉल अपॉन द चाइल्ड्स एज ही वेंट टू ग्रुप वेयर हिज पेरेंट्स वर सिटिंग यानी जब वो अपने उपवन में गया जहाँ उसके माता पिता बैठे थे तो बच्चे के ऊपर क्या गिरा? ए ऑप्शन है बंच ऑफ ड्राई लीव्स यानी सूखे पत्तों का गुच्छा, बी ऑप्शन है हेल ड्रॉप्स यानी ओलावृष्टि, सी ऑप्शन है लार्ज मैंगो एक बड़ा आम, डी ऑप्शन है यंग फ्लावर्स यानी युवा फूल। तो इसका सही ऑप्शन है डी यंग फ्लावर्स यानी युवा फूल। टेन नंबर क्वेश्चन इन द स्टोरी द लास्ट चाइल्ड व्हाट डिड द चाइल्ड बिगिन टू गेदर एट ही एंटर द ग्रुप एंड द लास्ट चाइल्ड कहानी में बच्चे ने ग्रुप में प्रवेश करते ही क्या इकट्ठा करना शुरू कर दिया? ए ऑप्शन है स्प्राउटिंग लीव्स यानी अंकुरित पत्ते, बी ऑप्शन है बर्ड्स यानी बर्ड्स, सी ऑप्शन है स्मॉल लीव्स छोटे पत्ते, डी ऑप्शन है पेटल्स यानी पंखुड़ी। तो इसका सही ऑप्शन है डी पेटल्स यानी पंखुड़ी। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड सर्किल में अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।